तो दोस्तों हमारे बीच में आज हुंडई क्रेटा, हमने ओनर रिव्यू तो ले लिया, बाकी हम इसकी फुल डिटेल में बताते हैं, इसके फंक्शन, इसके फीचर्स और इसमें क्या क्या है। तो अगर हम इसके फ्रंट की बात करें, ये ब्लैक पियानो ब्लैक ग्रिल आ गई, आप देख सकते हैं। ये आ गए इसके इंडिकेटर जो कि एलईडी में है, और ये आगे इसकी हेडलाइट, और ये आगे इसके के हेलोजन प्रोजेक्टर लैंप जो कि रात में निकलने में मतलब एक शानदार रोशनी और लुक देते हैं। एंड हम करते हैं इसके इंजन की बात, ये है हमारी पेट्रोल 1.5 लीटर का इसका इंजन है, एस वेरिएंट है। अगर हम इसके पावर की बात करें तो 113 बीएचपी पावर प्रोवाइड करता है। एंड अगर हम इसके टॉर्क की बात करें, 144 एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करता है जो कि लो गियर में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस करता है। मतलब जब आप रास्ते में चलाओगे तो बिल्कुल मक्खन रोड पे चिपक के चलती है। जो इस गाड़ी की जो जान डाल रहे हैं वे इसके 16 इंच के टायर। अगर हम इसके टायर के साइज की बात करें तो इसके टायर का साइज है 205/65R16। 16 इंच के टायर है जो इस गाड़ी की जान डाल रहे हैं। और अगर हम इसकी आरबीएम की बात करें, आप इसे कहीं से भी फोल्ड कर सकते हैं, जो ये कि मैनुअल है। अगर आप इससे ऊपर वाला टॉप मॉडल लोगे उसमें आ जाते हैं इसके आपके ऑटोमेटिक, जो कि गाड़ी खोलोगे या गाड़ी बंद करोगे तो ऑटोमेटिक खोलेंगे, ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, लेकिन ये मैनुअल में आ रहे हैं। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, ये है 4300 mm इसकी लेंथ है। अगर हम वाइड की बात करें तो 1790 mm इसकी वाइड है गाड़ी ये। और इस गाड़ी की अगर हम हाइट की बात करें, ये है तुम्हारी 1635 mm। और अगर हम इसके व्हील बेस की बात करें जो कि है 2610। और गाइज अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, ये है 190 mm जो कि ऊबड़ खाबड़ रास्ते में भी चलने में भी प्रॉपर बेस्ट है। मतलब कहीं नीचे से अड़ने वड़ने का भी कोई डरवर नहीं है, मतलब गाड़ी सोच समझ के एंड बेहतरीन बनाई है। बाकी हम करते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की बात। बंदे ने मतलब पैसा भी खर्च करा, हर चीज खर्च करी, मतलब हर चीज कंफर्ट भी लिया, लेकिन इस गाड़ी में मजा नहीं आ रहा था। क्यों? तो भाई ने इसमें जय श्री राम लिखवा लिया। बोलो जय श्री राम, हिंदू है हम हिंदू है। तो आप पीछे की लुक देख सकते हैं कितनी शानदार लग रही है। तो दोस्तों अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बूट स्पेस है। ये बोतल भी आ रही, बोतल तो कहीं भी दबा दो आप, इसी से बूट स्पेस की जरूरत नहीं है। ये है 433 लीटर का बूट स्पेस। पहले आप बूट स्पेस देखें कितना सारा है, मतलब इतने बड़े बड़े बैग आप बहुत आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं। ये तो क्या छोटे हैं, बड़े बड़े अटैची भी बहुत आराम से कैरी करके ले जा सकते हैं आप। फ्लैट है, ये भी नहीं कि ऊबड़ खाबड़ है, बिल्कुल फ्लैट है। एंड ये इसके बूट स्पेस की लाइट आ गई। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया 433 लीटर का इसका बूट स्पेस है। आप बहुत आसानी से अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, मतलब कहीं बहुत लंबे सफर में जा रहे हैं, तो आप बहुत बड़े से बड़े कैरी बैग आराम से ले जा सकते हैं। और अगर आपको फिर भी जगह कम पड़ रही है तो आप इसकी सीट को फोल्ड करके आसानी से बहुत आराम से बैक टू बैक आप भी आराम से लेट के जा सकते हैं, इतना स्पेस है। किसी गाड़ी में, इस रेंज की गाड़ी में अगर इतना स्पेस है तो भाई साहब मैंने क्रेटा से ज्यादा स्पेस नहीं देखा किसी गाड़ी में। टेल लैंप इसकी डीआरएल है, ये इसकी एलईडी लाइट आ गई जो कि ब्रेक दब के लाइट जलती, बहुत प्यारी लुक आती है जिससे पीछे वाले को पता लगेगा कि यहाँ कुछ जा रहा है। एंड ये इसके सेंसर है, एंड ये इसका कैमरा है जो कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगाया हुआ है बैक कैमरा। बाकी गाड़ी तो बेहतरीन शानदार है, हम तो प्यार हो गए इस गाड़ी से, हमारी फेवरेट तो थी साथ में। आज इस गाड़ी के फीचर्स, हर चीज देख के, चारों तरफ की बातें करके भी, मतलब हमें प्यार हो गया इस गाड़ी से। तो दोस्तों हम गाड़ी के अंदर की बात करेंगे, इंटीरियर, इसका सीट, इसके स्पेस की बात करेंगे। ये आ गया इसका पहले तो हैंडल रिक्वेस्ट सेंसर जो कि बहुत, मतलब चाबी, पहले क्या कहते हैं, पहले चाबी लगाओ जो खोलो, मतलब आफत ही खत्म। तो बाकी आप पहले बाहर से इसकी लुक ही देख सकते हैं कितनी प्यारी लुक आ रही है कि सीट मतलब जकड़ लेती है, पकड़ के जब बिल्कुल फिक्स कर लेती है, आप देख ही सकते हैं। मतलब मैं सीट पे बैठ गया, बिल्कुल कंफर्ट फील हो रहा है चारों तरफ से, मतलब इधर भी कवरिंग होगी, इधर भी कवरिंग होगी, ना हिलना डुलना कुछ भी नहीं है, बहुत ही परफेक्ट स्वस्थ समझ के फीचर्स और गद्दी में और कंफर्ट दिया है। मतलब आपको ये इसके हैंड रेस्ट हो गए, आर्म रेस्ट हो गए, ये हो गई इसकी डिस्प्ले। एंड इसके डिस्प्ले की मेरे को ये चीज बहुत बढ़िया लगी, जो इसकी जो पूरी डिस्प्ले है बिल्कुल जेट ब्लैक है, पियानो लुक देती है, मतलब बहुत शानदार लुक देती है। बाकी आप देख ही सकते हैं, अगर आप किसी को ये हुंडई क्रेटा अगर लेनी है तो आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं।